आज हमारे जनतांत्रिक विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा हमको जिला का अध्यक्ष मनोनीत करने के उपरांत हमने अपना जिला कमेटी और प्रखंड कमेटी गठन करने के लिए श्री गौरी शंकर मंदिर के प्रांगण में तमाम ग्रामीण जनता, शहर जनता, जिले के कोने कोने से लोगों को अपने प्रमुख साथियों को बुलाए थे, जो साथी पहले से जुड़े हुए हैं। साथ में प्रमुख साथियों को प्रभार दिया गया, महासचिव बनाया गया, उपाध्यक्ष बनाया गया, सचिव बनाया गया और जिले के तमाम साथियों को एक महीना का कोर्स दिया गया कि जब ये मुखिया और पंचायत का जब चुनाव खत्म हो जाता है तो जिला में विशाल कार्यक्रम राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल कुमार के लिया जाएगा और कार्यक्रम वृद्धोत रूप से कराया जाएगा जिला में। उसके उपरांत राज्य के अध्यक्ष संजय कुमार मंडल जी द्वारा जनतांत्रिक विकास पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन हुआ, कार्यक्रम को भी उन्होंने संबोधित किया, उसके बाद आकर उद्घाटन किए। और मुझे लगता है कि जिले में आने वाले जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी की सरकार चल रही है, आने वाले समय में जदयू की सरकार टूट जाएगी, पार्टी गुट में इतना ना ये पार्टी बट जाएगी कि ये पार्टी खंडित होने की स्थिति में आ जाएगी और आने वाले समय में जनता के रुझान हमारे जनतांत्रिक विकास पार्टी के तरफ से निश्चित रूप से उभरेगा और जिला में एक नंबर की पार्टी हम लोग इसको बनाकर छोड़ेंगे। अभी लगे हैं और जिले के कोने कोने से नौजवानों को जोड़ेंगे, जोड़ कर बक्सर जिला के विकास के बारे में बात करेंगे। हम लोग बक्सर जिला के विकास के ही बारे में सोचकर इस मुद्दा को उठाकर जिला प्रशासन के समक्ष धरना और प्रदर्शन भी करने के काम करेंगे, जो हमारे बक्सर जिला के जटिल समस्या है। हम बिहार की समस्याओं को नहीं देखेंगे, इसलिए कि मैं जिला का अध्यक्ष हूँ तो अपने जिले के कार्यभार देखूंगा कि मेरे जिले में अस्पताल की कहाँ दिक्कत है, हमारे जिले में प्रशासनिक अफसर कहाँ जनताओं की दिक्कत कर रहे हैं। ये तमाम बिंदुओं पर पार्टी चर्चा करेगी और चर्चा करने के उपरांत हम तमाम समस्याओं को हल करने के लिए इसके लिए जिला प्रशासन के पास जाना हो, चाहे सरकार के पास जाना हो, तो निसंकोच सरकार के पास जाकर भी समस्या को रखेंगे और जिला के विकास के काम को हम कराने का काम करेंगे।